हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। चलिए, मैं आज आपके सामने लाई हूँ यूपी पीसीएस का जो पहला पेपर हुआ था, जनरल स्टडी पेपर वन, इसका पार्ट वन। इसमें मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के आंसर बताऊंगी, जो कि सेट ए के बारे में बताऊंगी। जिसके पास सेट ए है, वैसे तो क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, सीक्वेंस चेंज कर देते हैं ये लोग। तो मैं सेट ए के 1 से 50, और ये ऑलमोस्ट 99% सही है, 1% गलती हो सकती है इन आंसरों में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का प्रत्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये संपूर्णीय विकास की परिभाषा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है इनमें से कब? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कें हैं जिनकी लंबाई सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, ये आयकर से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एबीसी इंडेक्स हेल्थ या स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55%, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो इसका ऑप्शन है ए, स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो लाख कीटों से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 20 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 14, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन बी, 2008 में, 2008। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है सागरीय, मतलब कि मरीन, जो ओशन का होता है सबसे स्थिर है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, कूड़ा कचरा जलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ये है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है डिक्लोफिनेक। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? तो ये था चीन, चीन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकृति आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, भोपाल गृह सादगी मानव निर्मित है, भारत आपदा युक्त देश है, मैग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, लेकिन इसमें हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, यहाँ डिजास्टर फ्री कंट्री लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है आपदा युक्त देश है, युक्त की जगह मुक्त होगा, तो ये लोग इंग्लिश का आंसर कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉस्मिक, सुपरसोनिक वेव, पराध्वनिक तरंग, ग्रेफिन होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। इसका वैसे तो दो आंसर इसके निकल रहे हैं, निर्वात में और इस्पात में, 99% इस्पात में है,
यूपीएससी वाले निर्वात में भी कंसीडर कर सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है किस किस आंसर को कंसीडर करते हैं। वैसे तो इस पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पैरा एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मंगल। आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी, मतलब कि समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत की आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? वैसे तो इसके दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, योजना आयोग, और दो आंसर निकल के आ रहे हैं, और वित्त आयोग, लेकिन ज्यादातर इसका आंसर योजना आयोग पर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर लिखी गई बुक है और जिनके लेखक हैं संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो ये आप सबको आता होगा, 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा को, सॉरी विधान परिषद को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर गूगल पे दो आ रहे हैं, 1985 और 1986। तो देखते हैं यूपीपीसीएस वाले इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है। 39, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 32 टीमों ने भाग लिया, ए ऑप्शन। निम्नलिखित देशों में किसने प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये नेपाल में की। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन 42, संयुक्त राष्ट्र की ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 42, भारत का स्थान 96, भारत का स्थान है सी ऑप्शन 96। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था? तो ये सबको पता है, केरल। भारतीय डिजिटल राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 136। क्वेश्चन नंबर 46, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन वाराणसी में। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के दौरान कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1750, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? ऑल नोज इमरान खान। निम्नलिखित में किसने वर्ष 2018 का मैग्सेसे पुरस्कार जीता? भारत वटवानी और सोनम वांगचुक दोनों ने, ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किस में आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। तो आज इस यूपीएससी प्री यूपीपीसीएस प्री का जनरल स्टडी पेपर वन के पार्ट वन 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं। इसके आंसर मैं बता रही हूँ, और जल्द से जल्द आपके कट ऑफ लाने की भी का भी प्रयास करूंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।